24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है और इसे देखते हुए तैयारियां जोर शोर से जारी है। वही खबर आ रही है कि टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है वहां पर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर के टाटा नगर जंक्शन से किन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो 6 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी है और कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलेगी। नमस्कार। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितम्बर को यानी कल झारखंड दौरे पे आ रहे हैं। यहाँ से कि वे जमशेदपुर के टाटा नगर से कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देश के रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ठीक एक दिन पहले यानी आज झारखंड के जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। 15 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री जी का जमशेदपुर में एक कार्यक्रम आयोजित होना है और इसे लेकर के आज ठीक एक दिन पहले रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी झारखंड के जमशेदपुर पहुंच चुके हैं और वे सभी कार्यक्रम वस्तुओं का जायजा ले रहे हैं। तो बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी का कल झारखंड के जमशेदपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां से कि वे कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर झारखंड को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर यानी जो कार्यक्रम कल होना है 15 सितंबर को उस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए ठीक एक दिन पहले देश के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आज झारखंड के जमशेदपुर पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि वे कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि देश के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी झारखंड के टाटा नगर जंक्शन रेलवे के सभी पदाधिकारियों के साथ आज शाम को एक बैठक भी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री कल झारखंड के जमशेदपुर आ रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जमशेदपुर के वो सभी जगहों का आज दौरा कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी जगहों को बारीकी से देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से सफल बनाया जा सके। तो जानकारी निकल कर आ रही है कि रेल मंत्री जमशेदपुर पहुंचे और पहुंचने के बाद होटल और सर्किट हाउस न जाकर सीधा टाटा नगर रेलवे जंक्शन पहुँच गए जहाँ से कि वे अधिकारियों से बातचीत की और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक रेल मंत्री जिले के कई बड़े तमाम अधिकारियों के साथ ही जमशेदपुर रेलवे मंडल के कई बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के रेलवे के कई बड़े अधिकारी अलर्ट मोड पे हैं। 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है और इसे देखते हुए तैयारियां जोर शोर से जारी है। वही खबर आ रही है कि टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है वहां पर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर के टाटा नगर जंक्शन से किन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो 6 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी है और कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलेगी। तो पहली ट्रेन है टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन, दूसरी है वाराणसी देवघर वंदे भारत ट्रेन, तीसरी है टाटा नगर बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन, चौथी है हावड़ा धनबाद भाया गया वंदे भारत ट्रेन, पांचवी है हावड़ा दुमका भाया भागलपुर वंदे भारत ट्रेन और छठी है हावड़ा टाटा नगर वाया राउरकेला वंदे भारत ट्रेन। तो ये कुल 6 वंदे भारत ट्रेन है जो 15 सितंबर यानी कल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के दौरे पर रहेंगे और झारखंड से सीधे वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे जहां से कि सीधा वो टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर झारखंड को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। तो बता रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल झारखंड के जमशेदपुर पहुंच रहे हैं जहां पर कि वे कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद जमशेदपुर में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद रोड शो करते हुए वे जमशेदपुर के गोपाल मैदान पहुँचेंगे जहाँ पर कि एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं।
तो आखिर में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूज एजेंसी के प्रति कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर अमल करूंगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।